बदलो खुद को, क्योंकि अब वक्त आ चुका है खुद को बदलने का। खुद को इतना बदल डालो कि दुनिया देखकर हैरान हो जाए कि क्या ये वही इंसान है। एक डेट लिखो अपने अकॉर्डिंग, जितनी आप में क्षमता है, क्या से एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, छह महीने बाद, दो महीने बाद, जितनी आप में क्षमता है, और वादा करो अपने आप से कि इस डेट तक मैं अपने आप को इतना बदल लूंगा कि जो भी मुझसे मिलेगा वो यही कहेगा कि यार तू तो खुद बदल गया। आपको खुद को बदलने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना चाहिए। और हर एस्पेक्ट में छोटी से छोटी चीज को जब आप इंप्रूव करोगे तो ऑल ओवर जो पर्सनालिटी में चेंज आएगा, माइंडसेट में जो चेंज आएगा, खुद भी खुद को पहचानने से मना करोगे, खुद भी आप सोचोगे कि यार मैं क्या था और क्या हो गया। दुनिया की नजरों में आपकी इमेज कैसी भी क्यों ना बनी हो, अब वक्त आ चुका है उस इमेज को बदलने का। लोगों को लगता है कि यार ये तो हर बात में हाँ कह देता है, कहीं की बोलेंगे चल चलेगा, कभी भी बोलेंगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनसे ऐसी बना करके रखी है, वो आपके कर्म है। लेकिन अब वक्त आ चुका है इन कर्मों को सुधारने का और खुद की इमेज बदलने का। खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो, लोग गए फाड़ में, अपने करियर को संभालो, अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ, तारीख लिखो, वो तारीख कुछ भी हो सकती है। आपको अपने अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि मुझे कितना वक्त लगेगा खुद को बदलने में, और उस तारीख तक इतनी मेहनत करो हर चीज में, खुद को इतना इंप्रूव करो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। बदल डालो खुद को पूरी तरह से। दुनिया तो बहुत जल्दी हैरान हो जाएगी, लेकिन आपको तब तक खुद को इंप्रूव करना है जब तक कि आप अपने आप को देखकर हैरान ना हो जाओ कि यार मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी जब इन दोनों का मिलन होता है ना, तब ऐसे से काम हो जाते हैं इस दुनिया में जो कि लोगों को असंभव लगते हैं। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी, और सैकड़ों साल पहले कवि वृंदन एक बार कहा था, और आज भी इस बात में उतनी सच्चाई है, उतना ही मोटिवेशन छिपा हुआ है कि करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, करते जाओ, दुनिया रोके मत रुको, कोई बुलाए मत जाओ, ना कहना सीखो, कहो टाइम नहीं है, झूठ बोल दो, क्योंकि इसी झूठ से आपकी जिंदगी बनेगी, आपका टाइम बचेगा, और लोगों के सामने आपकी एक नई इमेज बनेगी कि बिजी इंसान है, हर किसी को टाइम नहीं देता है, फोकट नहीं है, वैल्यूएबल इंसान है। और जब उन्हें पता लगेगा ना कि आप अपने गोल को लेकर सीरियस हो, अपने काम में बिजी रहते हो, ना किसी बेरोजगार की तरह पड़े रहकर दिन भर फोन चलाते रहते हो, तो ऐसे में लोग ऑटोमेटिकली बिजी मान लेंगे और समझ जाएंगे, और वो भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों के लिए ही याद करेंगे। लोग ऑटोमेटिकली आपकी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये जो इंसान है ना, ये फोकट नहीं है, वैल्यूएबल इंसान। बनाओ अपनी एक ऐसी इमेज और करो उसके लिए मेहनत। बंद कर लो खुद को कुछ टाइम के लिए, अपने लिए टफ नियम लागू कर दो कि इस वक्त सिर्फ ये करूंगा तो यही करूंगा, कोई भी फालतू आ जाएगा तो उसको टाइम नहीं दूंगा, कोई जरूरत नहीं किससे भी मिलने की, सबसे मिलेंगे लेकिन एक तारीख के बाद में, जो तारीख हमने डिसाइड की है उसके बाद, और देखेंगे कि लोगों के रिएक्शन क्या आते हैं। उस पल के लिए खुद को इतना तपाओ कि आपकी ग्रोथ क्या, आपकी चमक क्या, सोना भी शर्मा जाए, क्योंकि जो जितना तपेगा वो उतना ही ज्यादा चमकेगा। और याद रखना कि अगर आपको कुछ बदलना है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा, और हमें कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटली एक डिफरेंट इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान जो हर परिस्थिति को संभाल ले, जो कुछ भी कर सकता है, जिसमें ऐसे स्किल्स है जिसके दम पर अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है, एक ऐसा इंसान जिसकी सोच अलग हो, एक ऐसा इंसान जो भीड़ से अलग दिखे, जिसकी सोच अलग हो, जिसका माइंडसेट अलग हो। जो टाइम आप अपने लिए सेलेक्ट करोगे ना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना भी टाइम हो, आप ये समझना कि ये टाइम आपकी जिंदगी का सबसे हार्ड टाइम होगा, और यही टाइम आपकी लाइफ चेंज करेगा। और याद रखना, हर छोटी से छोटी चीज में बदलाव करो, हर छोटी से छोटी चीज को इम्प्रूव करो। आप कुछ भी करते हो तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि इस चीज में मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ, इस चीज को बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपके बात करने का तरीका हो, आपका काम हो, आपका सोचने का तरीका हो, आप क्या देखते हो, आपका टाइम कहाँ जाता है, किसके साथ रहते हो, क्यों रहते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, क्या खाते हो, किस टाइप के गाने सुनते हो, हर छोटी चीज में बदलाव करो। जब आप हर चीज पर ध्यान लगाओगे ना, तो ऑल ओवर जो फर्क दिखेगा वो दुनिया को तो बाद में दिखेगा, आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज ही अभी वो डेट लिखो, और वही डेट इसी कमेंट सेक्शन में भी लिखो, और इसी कमेंट सेक्शन में आकर अपनी ही कमेंट का रिप्लाई करना, और सच बोलना अपने आप से कि क्या आपने वो किया जो आपने सोचा था, क्या आपने वो अचीव किया इस टाइम में जो आप अचीव करना चाहते थे। मुश्किल से अगर 10 लोग भी इसमें सफल हो पाए ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश है वो सफल हो। अगर मैंने 10 की लाइफ भी चेंज कर दी ना, तो 10 भी आने वाले कई सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे, और क्या आप उनमें से होंगे। लिखो वो डेट, और हर वक्त आपके माइंड में वो डेट होनी चाहिए। जब आप दुनिया के सामने एक नया इंसान रख दोगे, लिखो वो डेट इस कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो की जो कमेंट है ना, वो मैं 6 महीने बाद भी पढ़ूंगा, और 1 साल बाद भी पढ़ूंगा, और देखूंगा कि एक्चुअल में कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें सफल हो पाए, या फिर सिर्फ लोग कमेंट करने आते हैं कि इन वीडियो से कुछ नहीं होता। अरे होता है, इसमें जो बताते हैं वो करके देखो, करते कुछ है नहीं और बोलते हैं कि कुछ होता नहीं है। कुछ करो, सपने को अगर पूरा करना है तो सपने देखने होंगे, और जब सपने देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। और इस टाइम के बीच में बहुत चैलेंज आएंगे, लेकिन इस बात को याद रखना कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही चीज़ आपको चेंज करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आएगा।
शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।